ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ वालों के लिए आज की सबसे बड़ी न्यूज है और आज आपको पूरी तरह से जवाब मिल जाएगा विद प्रूफ के आपकी परीक्षाएं यानी बोर्ड परीक्षा 2021 होंगी या नहीं होंगी, विद प्रूफ हम बात करने वाले हैं। तो आपका सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और सबसे बड़ी दुविधा आज खत्म होने वाली है, क्योंकि इसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन है, इतनी न्यूज़, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहती हैं कि परीक्षाएं होंगी, कोई कहता है परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, तो इन सब के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो आज बिल्कुल पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि सब परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तो वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस न्यूज पर डिस्कस करने से पहले आप एक क्लिप देख लीजिए, इस पूरी क्लिप को एक बार पढ़ लीजिए किसने क्या कहा, इस क्लिप में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपका पूरा एनालाइज करके लास्ट में बता दूंगा परीक्षाएं हो रही हैं नहीं हो रही हैं, पूरा अंत तक देखना, एक पॉइंट भी आपके मिस मत करना, क्योंकि आज के बाद में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है आज ही निश्चित कर लेना, राइट, चलिएगा। तो इस क्लिप को देख लो सबसे पहले। देखिएगा, न्यूज़ ये है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि यूपी बोर्ड ट्वेल्थ एग्ज़ाम 2021 रद्द नहीं किए गए हैं, बारहवीं के एग्ज़ाम। यहाँ देखें आधिकारिक जानकारी, यानी पूरी जानकारी है, क्या जानकारी है, पूरी तरह से आपको आज की न्यूज़ में पता चल जाएगा एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, पूरी तरह से कन्फर्म। देखिएगा क्या है, लंबे समय से यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, मगर बोर्ड ने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम रद्द करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में छात्रों को भी किसी भी जानकारी पर केवल तब ही भरोसा करना चाहिए जब वह किसी बोर्ड अधिकारी या शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई हों, यानी कहीं जाएं। कुल मिला के बात यह है कि जो आपकी जानकारी यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि परीक्षा रद्द करने की जो भी घोषणा आधिकारिक अभी नहीं हुई है, और जो भी कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं उस पर भरोसा ना करें, कि अभी क्या है, जब तक कोई बोर्ड का अधिकारी या शिक्षा मंत्री अपने बयान में ना कहे कि पेपर रद्द हैं, तब तक कोई भी बात ना माने, राइट, अपनी पढ़ाई करते रहें। और यहाँ में तो साफ साफ कर दिया है, देखिएगा क्या कर दिया है। देखो ये न्यूज की यानी कि नई दिल्ली 27 मई आज की अपडेट है, 2:23 यानी कि दोपहर की। अब देखिएगा, एग्जाम डेट्स पर इस महीने होगा फैसला, हो सकता है फैसला। 8000 से अधिक एग्जाम सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं, जरा इस लाइन को जरा ढंग से पढ़ना, क्या है, 8000 से अधिक एग्जाम सेंटर्स अलॉट हो चुके हैं। मतलब जब ये एग्जाम सेंटर किसके लिए अलॉट करें, कि दावत खाने के लिए, नहीं ना, किसके लिए, एग्जाम करने के लिए। तो भैया एग्जाम होंगे, इसलिए पढ़ाई पर अब फोकस कर दीजिए, अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो पढ़ाई करते रहिए। देखिए और क्या है, बीते कुछ दिनों से कई न्यूज वेबसाइट पर यह जानकारी दी जा रही है कि यूपी बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट बगैर एग्जाम के प्रमोट कर दिए जाएंगे, परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। बोर्ड परीक्षार्थियों को बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, यानी कि ऐसी परीक्षा नहीं करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। देख लो, यूपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने या छात्रों को बगैर एग्जाम प्रमोट करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। और ये देखिएगा, और इसमें क्या क्या है, क्या कहा है, ये देखिएगा, इसमें कहा है, ठीक इसके ठीक विपरीत राज्य शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बुधवार 26 मई को जानकारी दी कि राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई, यानी परीक्षाएं कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए 8513 एग्जाम सेंटर्स अलॉट कर दिए गए हैं और क्वेश्चन पेपर के सेट भी प्रिंट किए जा चुके हैं। कुल मिला के बात यह है कि उनकी पूरी नीति बन चुकी है कि एग्ज़ाम किस तरह से कराना है, कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं, राइट। एग्ज़ाम सेंटर भी अलॉट कर दिए, क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट कर लिए हैं, परीक्षा की सभी जानकारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। देख लो, परीक्षा की सभी जानकारियाँ पूरी की जा चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत के बाद परीक्षाओं की डेट पर फैसला इस महीने के अंत तक किया जाएगा। देख लो क्या है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से गौर से देखो, क्या बोला है कि अब ये नहीं बोल रहे कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी इस पर बात की जाएगी, बल्कि अब बात की जाएगी योगी आदित्यनाथ जी से, किससे बात की जाएंगी, परीक्षाओं की डेट पर फैसला किया जाएगा, ना कि अब परीक्षा होंगी या नहीं होंगी। तो परीक्षा की डेट यानी कौन से महीने में ली जाएंगी, कब से ली जाएंगी, इस पर बात होगी, ना कि अब, मतलब इनका पूरा 100% मन बन चुका है कि भैया परीक्षाएं होंगी, क्योंकि पेपर सेट तभी बन रहे हैं। आदमी को लगता है कि पेपर रद्द करने का होगा तो 50% में भी क्या करेगा, पेपर वगैरह नहीं, तैयारी नहीं करेगा, बोलेगा अभी तो पेपर हो सकते हैं, राइट। और देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने भी कहा है कि परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियाँ बोर्ड की डेट्स की घोषणा के बाद की जाएंगी, यानी कि देखिएगा क्या कहा है, परीक्षाओं के लिए ज़रूरी तैयारियाँ
परीक्षाओं के लिए जरूरी तैयारियां बोर्ड की डेट्स के बाद की जाएंगी, जैसे कि परीक्षा की डेट्स हो जाएगी उसके बाद में तैयारी की जाएंगी भैया स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, हर स्कूल का वो चेकअप होगा कि वहाँ पर मतलब कोविड की सारी गाइडलाइंस पालन हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो एग्जाम के बाद की बात है, राइट। और देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि पहले भी राज्य में पंचायत चुनाव और अन्य बड़े आयोजन भी हो चुके हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में कोई समस्या नहीं होगी। भैया इनका कहना है कि जैसे पंचायत चुनाव हुए हैं उस तरीके से हम कर देंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं। तो भैया पंचायत चुनाव का याद होगा आपको, कई टीचर्स की मृत्यु हुई थी कोरोना के कारण, कोरोना संक्रमित हुए थे, राइट। तो भाई बहुत, अब क्या ही कमेंट करें ये बात, चलो अब इसका डिस्कस करते हैं यार। अब मैं बताऊँ इस पर क्या ही, आप थोड़ा सा कमेंट करना ज़रूर इस पर कि आपकी क्या राय है, ठीक है। क्योंकि भैया इन्होंने तो अब कह दिया कि अपनी तैयारी करते रहो, अब समय नहीं है कि भैया कि अब इस बात पर व्यंग करे जाएंगे परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, परीक्षा तब होकर रहेंगे क्योंकि इन्होंने तो पूरा कर दिया, लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं ये ज़रूर कमेंट करना, राइट। चलिए, तो न्यूज से साफ साफ जाहिर हो रहा है सीधे सीधे कि भैया आपके परीक्षा केंद्र जो है 8513 परीक्षा केंद्र पहले से अलॉट कर दिए गए हैं, और आपके जो पेपर हैं, पेपर का पैटर्न और पेपर, जो भी पेपर आपको मिलेंगे वो पहले ही प्रिंट किए जा चुके हैं, यानी कि अब आपकी तैयारी बोले तो आपके यानी कि जो एग्जाम सेंटर 8513 ये केंद्र यानी कि सेंटर्स बना दिए गए हैं पूरे, और आपके जो पेपर्स हैं वो भी आपके क्या हो गए हैं, प्रिंट हो चुके हैं। अब आपका क्या बचता है, सीधे सीधे आपके एग्जाम बचते हैं कि एग्जाम होने की तारीख, और उन्होंने साफ साफ जो हमारे यूपी के शिक्षा मंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा है, सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि अब यानी योगी आदित्यनाथ जी से बात करके वो क्या करने वाले हैं, परीक्षा की डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, परीक्षा की डेट पर सीधे चर्चा करने वाले हैं। पहले उनका क्या बोल रहे थे, पहले के बयान में उन्होंने कहा था कि योगी जी से बात की जाएंगी कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तो भैया उनका सिग्नल मिला होगा तभी तो इन्होंने पेपर्स सेंटर अलॉट कर दिए और आपके प्रिंट आउट भी निकाल दिए पेपर के। सिंपल सी बात है, बिना करे मान लीजिए घर में 10-20 सदस्य होते हैं और तुम कोई बड़ा काम करोगे तो सबसे थोड़ी बहुत जानकारी लेते हो, और सब अपने पिताजी यानी अपने घर के मुखिया से तो जानकारी लोगे ना लोगे, तो वही चीज यहां पर होती है कि सपोज दैट आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़े एक से दूसरी जगह, तो आप अपने पिताजी से जो घर में रह रहे हैं फैमिली से, और एटलीस्ट उस इंसान से तो बात करोगे जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। वही चीज़, तो इन्होंने जो एग्जाम पेपर प्रिंट कराए हैं, सेंटर अलॉट करे हैं, तो इनको पहले से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि पेपर होंगे, राइट। दूसरी बात, अब इन्होंने क्या बोला था अपने बयान में, सीधे सीधे ये बोला है कि वो योगी जी से बात करके पेपर की तारीखों पर बात करने वाले हैं। तो तारीख का मतलब क्या है, तारीख का मतलब है कि भैया पहले से ही उन्होंने अब निश्चित कर लिया कि पेपर होंगे। तो भैया आपके लिए अब ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज़ है ये आप कमेंट करना, राइट। और दूसरी बात यह है कि आप अपना ओपिनियन जरूर देना कि उनका यह करना सही है या गलत है, लेकिन अब कोई इसमें वो नहीं है कि भैया 100% ये क्लियर हो गया है कि पेपर आपके होंगे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि पेपर कब होंगे, कब से होंगे, और आपका किस मोड पर होंगे, और मतलब किस तरीके का पैटर्न रहेगा। और मेरा जो मानना है, ये मेरा मानना है यानी कि माई ओपिनियन, तो भैया मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, तो भैया मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा अकॉर्डिंग ये है कि आपका पुराने पैटर्न से ही पेपर होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही पेपर प्रिंट कर लिया है, तो मतलब वो पुराने के अकॉर्डिंग, जैसे कि थोड़े बहुविकल्पी प्रश्न, लघु प्रश्न, तो आप सभी की तैयारी करते रहो। जब आधिकारिक कोई घोषणा हो जाए पूरा, कोई शिक्षा मंत्री सीधे सीधे बोला परीक्षा रद्द करने की बात, कोई यदि मंत्री कहता अपने मुँह से या बोर्ड का बड़ा अधिकारी कहता है तभी बात मानना, राइट। तो उससे पहले ये शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि भैया परीक्षाएं होंगी और किस बात पर होंगी, तो ये मैं नहीं, वो बोल रहे हैं, और उन्होंने तो पूरी तैयारी के साथ बोल लिया ये वाली बात कि हमने परीक्षाएं होंगी पूरी तरह से कराएंगे, और वो बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि हमको ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे कोरोना के चलते हम परीक्षा कराएं, क्योंकि हम पहले ही पंचायत चुनाव भी करा चुके हैं, उनका बयान ये है, और भी बड़े कार्यक्रम करा चुके हैं। पंचायत चुनाव में आपको पता ही है क्या हालत हुई थी, यानी काफ़ी टीचर संक्रमित हुए थे काफ़ी बड़ी संख्या में, और काफ़ी टीचरों की मृत्यु भी हुई थी, जो उन्होंने 1 करोड़ रुपये देने की बात कही थी उनको, राइट। तो उनको टीचर, तो आप देखो जरा कि वो वहाँ पर, तो एटलीस्ट छोड़ो यार अब मैं क्या गलत बोलूँ, लेकिन भाई संक्रमण किसी बच्चे को हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो ये आप अपनी राय जरूर रखना इस बात पर कि उनका फैसला कैसा है, ये सही है या गलत है, तो ये आप अपना उनके ऊपर ओपिनियन देना, राइट। तो नीचे कमेंट में जरूर करना। तो भैया उनकी ये 4-5 बातें हैं जिनसे बिल्कुल 100% प्रूफ होता है कि भैया पेपर होंगे और 100% होंगे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहले ही बड़े बड़े कार्यक्रम करा चुके हैं, पंचायती चुनाव करा चुके हैं, तो ये करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और वो शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है, सेंटर भी अलॉट कर दिए हैं, फलां आपका सेंटर कहाँ पर जाएगा ये भी अलॉट हो चुका है, अब आपका सेंटर कहाँ पर जाएगा, राइट। तो मतलब एडमिट कार्ड भी आपके, बस ठीक है। और ये एडमिट कार्ड कब बनेंगे, जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद एडमिट कार्ड तुरंत, ठीक है, चलिएगा। अब ये देख लीजिए, प्रिंट पेपर भी प्रिंट हो चुका है, तो सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है, भैया पेपर होंगे तो अब अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, तैयारी अपनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, कुल मिला के बात ये है, राइट। तो ये हो गया। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सारी कन्फ्यूजन को छोड़ के आप सिंपल तरीके से इस पर पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए, सब चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारी सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम नीचे दे रखी है। नया बैच हमने टारगेट बैच बनाया है, 90% का बिल्कुल फ्री है, 90% और 95% का टारगेट बैच है, बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए, राइट। तो पूरी तरह से बस अपना ओपिनियन जरूर रखना, सपोर्ट करो, 2 लाख होने वाले हैं जल्दी से जल्दी, शेयर वेयर करके, ठीक है। मिलेंगे खुश से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।